उपमंडल घुमारवी के तहत आने वाली बली मोरसिंगी पंचायत के मोरसिंगी के अजय कुमार को 18 अगस्त को उसकी ताई द्वारा सुबह के समय उस पर कुछ गर्म पानी फेंकने का आरोप लगा था। लड़का उस पानी से इतना जल चुका है कि लगता है कि जैसे वो कोई केमिकल हो। ज्ञात सूत्रों से भी यही पता चला है कि 18 अगस्त को सुबह जब बच्चा अपने आंगन में खड़ा था तो उसकी ताई द्वारा उस पर कोई गर्म पानी की तरह कोई चीज फेंकी गई थी। जिन लोगों ने उस लड़के को देखा था उनका कहना है कि उस समय इसके कपड़ों से भी धुआं उठ रहा था और उसकी चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने जैसे तैसे करके उसे घुमारवी हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पर घुमारवी पुलिस ने आरोपियों पर केस तो दर्ज कर लिया, मगर जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो उसकी मां बचपन से ही गूंगी और बहरी है, जिस वजह से पुलिस असली कहानी तक नहीं पहुंच पा रही है और FIR में मात्र गर्म पानी की रिपोर्ट के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पीड़ित लड़के की हालत बहुत नाजुक है, जो इतनी बुरी तरह से जल चुका है। इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक भी रिपोर्ट पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसके लिए पीड़ित का परिवार अब बिटिया फाउंडेशन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस बारे में बिटिया फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा संख्यान ने कहा कि पीड़ित परिवार ने बिटिया फाउंडेशन से न्याय की गुहार लगाई है। बिटिया फाउंडेशन की टीम जिला हॉस्पिटल में पीड़ित अजय कुमार से मिली और उसकी हालत देखी, तब मामले में बिटिया फाउंडेशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष सीमा संख्यान ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि यदि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिटिया फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक संस्थानों और आम जनता सहित घुमारवी पुलिस और प्रशासन की ओर विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मा प्रशासन का होगा। सीमा संख्यान ने SP बिलासपुर साक्षी शर्मा से न्याय की मांग की है, ताकि जो भी दोषी इस केस में है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बारिश के कारण न्यूगल खड्ड में बड़े पानी के स्तर और उसके मार्ग बदलने से तहस नहस हो चुके पालमपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सौरभ वन विहार को फिर से पुराने रूप में लाए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सौरभ वन विहार को पहुंचे नुकसान और यहां पर आगे की संभावनाओं को देखने के लिए राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश दवाला ने सौरभ वन विभाग का दौरा किया। इस दौरान प्राकलन समिति के सदस्य नरेंद्र ठाकुर और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। रमेश धवाला ने कहा कि प्रकृति से लड़ना मुश्किल है, लेकिन बारिश के पानी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने और सौरभ वन विहार को पुराने रूप में लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। धवाला ने कहा कि यह वन विहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की सोच से बना था और शहीद परिवार के साथ लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस स्थान पर वन विहार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूगल खड्ड से पानी के बहाव को सौरभ वन विहार की ओर जाने से रोकने के लिए दीवार लगाने के साथ अन्य जो भी उचित होगा किया जाएगा। प्राकलन समिति वन विभाग के अधिकारी यहाँ आने वाले अनुभवी लोगों के साथ मिलकर इस ओर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झील में एकत्रित हुए मलबे को जल्द से जल्द निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज्वालामुखी पहुंचने पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन दीप चौहान का युवा कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वालामुखी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी। ज्वालामुखी पहुंचने पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन दीपक चौहान का युवा कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। दीपक चौहान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वालामुखी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी बराबर मान सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष
कुलदीप राठौर का आभार व्यक्त किया। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता संजय रतन का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो लोग पीछे कांग्रेस पार्टी से रूठे हैं उनको मनाना और लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाना, जो आजकल बीजेपी वाले थोड़ा सा गलत व दुष्प्रचार हो रहा है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। मैंने पिछले 15 सालों से देश की सेवा के बाद आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। तो मैं इनकी आशाओं के अनुरूप ये चाहूँगा कि मैं संगठन के लिए जो भी मेरे से बन पाएगा इनके दिशा निर्देशों के अनुसार मैं करने के लिए तो एक सच्चे सिपाही की तरह मैं हर वक्त तैयार रहूँगा। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक संजय रतन, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज शर्मा, राजेंद्र राणा, दिव्यांशु भूषण दत्त, ज्ञानेश्वर दत्त, सादिक मोहम्मद, सुरेंद्र चौधरी आदि अन्य सदस्य मौजूद रहे।